हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एवन ट्यूटोरियल्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अतीश कुमार पांडे आप लोगों को पढ़ा रहा था आईएएस करंट अफेयर्स। सो आईएएस करंट अफेयर्स में दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जनवरी मंथ का हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो अब हम लोग कंप्लीट करते हैं फरवरी की दोस्तों। कंप्लीट करने के लिए हम पहले बात करते हैं यहाँ पे 1 से 5 तक। पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर 5 to 10, ऐसे ऐसे हम लोग पर डे कंप्लीट करने की बात कही थी दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, चूँकि दोस्तों ये मेरी पिछली वीडियो थोड़ा सा हाईलाइटेड है, क्योंकि इसमें पिछली वीडियो मैंने बनाया था और थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, जिसके कारण अपलोड नहीं हो पाई। तो दोस्तों इसमें हाईलाइटेड है, तो इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसमें हाईलाइटेड है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं रिपोर्ट यू एन टी ओ 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड्स। सो यूनियन नेशन वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिकॉर्ड किया है, एंड 2020 वर्ल्ड ईयर ऑफ रिकॉर्ड एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज एंड स्टेटमेंट बिकॉज द इंटरनेशनल ट्रेवल कोविड-19 आउटब्रेक। जो कोविड-19 आउटब्रेक हो गया, जिसमें 74% का दोस्तों क्या हुआ है, 74% का यहाँ पे आप देखेंगे 74% का मतलब कि लॉस हुआ है, मतलब कि फेल हुआ है जो टूरिज्म हुआ है, और लगभग 1 बिलियन का नुकसान हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और जो कि ट्रेवल काज बाय लॉस ऑफ इतना ट्रिलियन एक्सपोर्ट रेवेन्यू में भी नुकसान आया है दोस्तों। तो जो बात करते हैं, जो 11 टाइम्स है किसका लॉ, पूरे एक्सपोर्ट के टाइम का 11% है, जो कि किसका 11 टाइम्स है, 2019 में जितना लॉस हुआ था। सो द रिपोर्ट इम्फेसिस द नेचर ऑफ इज चेंजिंग मैनी कंट्रीज एंड रेंट रूजिंग एंड स्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्शन सच एज चेंजेस एंड गारंटीज रूल्स एंड मैंडेटरी टेस्टिंग एंड कंप्लीट क्लोजर बोर्ड्स। सो दोस्तों हम आगे देखते हैं, तो द वर्ल्ड ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा होता है, और सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, 11% मतलब कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, 11 टाइम्स कम हो गया, वो इतने मिलियन डायरेक्ट टूरिज्म जॉब्स छूट गए, और ये 72% हमने देखा, 74% एडिशन कंपेयर्ड, जो कि 2019 के अपेक्षा लेस हो गया। तो इसमें हमने देखा कितना नुकसान हुआ, ये टूरिज्म का भी डेटा है दोस्तों। तो बात करते हैं तमिलनाडु न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, जो कि एक चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर द्वारा चेयर्ड किया गया, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इडियापी पलानी स्वामी जो हैं। 34 मेजर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हुए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया 52,257 करोड़, एंड क्रिएट द जॉब्स वाज एंड 1995, एंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोलर एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसमें मतलब पार्ट के लिए इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया इसके लिए किया, और सम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्लीनिंग अप कैबिनेट इंक्लूड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में ये इस्टेब्लिश होगा, और तमिलनाडु ऑलवेज बीन फॉर फ्रंट, मतलब हमेशा से इकोनॉमिक ग्रोथ का फॉर फ्रंट मतलब रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आज मेड ग्रेट स्ट्राइड एंड फील्ड ऑटोमोबाइल्स टेक्सटाइल्स। सो अब इस पर बात करें, तो तमिलनाडु जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, तो ऑलवेज बीन क्रिएट फोर फ्रंट हमने देख लिया, और इन ऑर्डर टू कीप पीस गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड तमिलनाडु इंडस्ट्रीज पॉलिसी एम टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर कंटिन्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें भी मैंने देख लिया, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं, बस पूछा जा सकता है क्या है। अब दोस्तों हम देखते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है 31 जनवरी को लॉन्च किया गया। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि प्रोग्राम 2021 किया गया, और ये संडे को किया गया। सो 31 जनवरी संडे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो आल्सो कॉमनली नोन एज पोलियो रविवार, इसको हम पोलियो रविवार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 170 मिलियन चिल्ड्रन अंडर एज 5 विल इंजेक्टेड पोलियो ड्रॉप्स एंड 2.5 वॉलेंटियर, 1.5 लाख सुपरवाइजर्स एंड CSO WHO, ये सारे हैं।
तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें हमने देख लिया जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स 20 बिलियन है यहाँ पे, और नो चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट प्रोटेक्टिव एंड पोलियो वैक्सीन्स, एंड प्रोग्राम स्टार्ट 60% ऑफ पोलियो केसेस विद द लीस्ट केस एंड पोलियो रिपोर्ट। अब बात करते हैं, और हाँ एक दो बात और कर लेते हैं ये वाला दोस्तों, जो सर्कल्ड है इसमें है जनवरी 13, 2000 लेवल द कंट्री हैज़ बीन पोलियो फ्री, ये भी पूछा जा सकता है। फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पहले मतलब पोलियो फ्री हो गया। अब यहाँ पे WCC भी डिस्ट्रिक्टेड वाइल्ड लाइफ ट्रैवलिंग, इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसमें देखेंगे ये 30 सेक्शन 38 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 में, तो इसका टास्क हुआ था, इसका टास्क जो है कलेक्ट ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट एंड अदर लॉ एजेंसीज ऑफ इमीडिएट एक्शंस एंड सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटाबेस एंड फॉरेन अथॉरिटीज एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम लॉ एंड एडवाइज इंडियन गवर्नमेंट इश्यूज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। सो दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें दोस्तों, यहाँ पे आगे हाँ एक और देखते हैं, रेनेसो रिलीज रिवाइज एस्टीमेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि रिलीज एस्टीमेट ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि GDP ऑन जनवरी 29, 2020, और ये जो डेटा रिवाइज हुआ 2017 से 19 फिस्कल ईयर में हुआ, तो ये जो एस्टीमेट किया गया 4% इंक्रीज GDP। तो दोस्तों इसको हमें देखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे हम लोगों का बजट तो पास ही होने वाला है, तो बजट के इस्टीमेशन किया गया है कि शायद ये लागू हो सकता है, तो वो तो बजट के बाद हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको पढ़ने से हमें इतना बेनिफिट नहीं, हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बजट को देखना है जो हुआ है। तो CSIR, अब इसको देख लेते हैं, CSIR ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कंप्लीट 20 ईयर, इसका 20 साल पूरा हो गया दोस्तों। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जिसको TKDL भी बोलते हैं, 20 ईयर इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या है TKDL ये देखते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है इंडिया डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज स्पेशली नॉलेज अबाउट मेडिसिन, जो क्या काम करता है दोस्तों, मेडिसिन प्लांट्स एंड फार्मुलेशन यूज इंडियन मेडिकल सिस्टम्स, एंड जो कि इस्टेब्लिश हुआ 2001 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च। पर्पज़ जो है प्रोटेक्ट कंट्रीज एंशियंट ट्रेडिशनल नॉलेज। अब CSIR ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें तो द पर्पज़ ऑफ लाइब्रेरी टू प्रोटेक्ट कंट्री एंशियंट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोप्रेसी अनएथिकल पैटेंट एंड डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लासीफाइंग इंटरनेशनल पैटेंट। सो दोस्तों वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स स्टार प्रोजेक्ट। अब स्टार प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टार प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म हमारा होता है, यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट स्टार्स प्रोजेक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट एज सेंट्रली सेंट्रल द्वारा इंस्पॉन्सर्ड किया जाता है, स्पॉन्सर्ड किया जाता है, और एजुकेशन लिटरेसी मतलब किया जाता है। और मेन चीज़ें हम देखें यहाँ पे, स्टार्स प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज द न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व 6 स्टेट, तो 6 स्टेट का नाम आपको यहाँ तक दिया हुआ है। इनफैक्ट 81, अब यहाँ पे डीकम्युनाइजिंग इनफैक्ट, तो इनफैक्ट 81 डीकम्युनाइज्ड एंड शिप इज डिजाइनेटेड बाय शैलो वाटर एंड मैक्सिमम स्पीड 45 नॉट्स। इनफैक्ट 81 जो सुपर क्लास इंडियन नेवल है जो कि अटैक क्राफ्ट है, 81 सक्सेसफुली सर्व कंट्री मोर देन 20 ईयर्स। सो इजराइल एंड मीटर लॉन्ग वेसल्स एंड डिस्प्ले 60 टन्स वाज बिल्ड गोवा शिपयार्ड, इट वाज कमीशनड एंड डिजाइनेटेड सैलो वाटर्स। अब बात करते हैं इन्वॉल्वेंसी ऑफ बैंकक्रप्टी बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कशॉप। सो इंडियन इन्वॉल्वेंसी बैंकक्रप्टी बोर्ड जो कि ऑर्गेनाइज हुआ क्रेडिटर कमिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो दिस इज 5th सच वर्कर्स ऑफ दिस सीरीज एंड पर्पज ऑफ बेनिफिट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन्वॉल्वेंसी बैंकक्रप्टी बोर्ड ऑफ IBBI एंड रीऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्वेंसी कॉरपोरेट पर्संस। सो इन्वॉल्वेंसी बैंकक्रप्टी बोर्ड जो है ये वर्कशॉप था जो कि वाज इस्टेब्लिश अंडर द IBC के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, और कब हुआ था 2016 में।
इट इज़ रेगुलर रिस्पॉन्स टू ओवर सींग इन्वॉल्वेंसी एंड प्रोसीडिंग. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IBC एंड मर्ज इन अमेंट एंड रिलेटेड टू री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वॉल्वेंसी. सो इट हैज़ रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड प्रोफेशनल इन्वॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड प्रोफेशनल इंटाइटलिटीज एंड फार्मुलेट इम्प्लीमेंट एंड फॉलोइंग कॉर्पोरेट इन्वॉल्वेंसी एंड कॉर्पोरेट लिक्विडेशन इंडिविजुअल सॉल्वेंसी. सो अब बात करते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स जो कि रिलीज हुआ, जिसमें 11 मेडिकल सिस्टम्स हैं, 11 हेल्थ सिस्टम एंड एशिया पैसिफिक रीजन में है, जो कि हेल्थ सिस्टम इंक्लूड में कहाँ इंडिया, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सारे परफॉर्मेंस एंड 27 पर्सनलाइज हेल्थ इंडिकेटर एंड फोर इन फोन फोर कैटेगरीज. सो बात करते हैं इट इज़ मेजर. अब पूछ लेता है वाइटल साइन क्या है, विटल साइंस क्या है, तो इट इज़ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस 26 पर्सनलाइज हेल्थ इंडिकेटर एंड फोर कैटेगरीज, मतलब जो 20 परफॉर्मेंस 27 पर्सनलाइज हेल्थ एंड इंडिकेटर्स एंड फोर कैटेगरीज कार्ड, ये सारे वाइटल साइन कहलाते हैं. तो इसमें कहलाते हैं 11 हेल्थ सिस्टम, ताइवान रैंक्ड सेकेंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रैंक 10th ओवरऑल एंड 11th. अब यहाँ पे एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स जो कि रिलीज हुआ और फॉरकास्टिंग एंड चाइना एंड ऑफिस ऑफ हांगकॉन्ग, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों. तो आगे बढ़ते हैं चौरी चौरा. तो चौरी चौरा आप जानते ही हैं दोस्तों, उसमें कुछ बताने की उतना ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे बात कर लेते हैं चौरी चौरा कॉन्टेंट सेलिब्रेशन 4 फरवरी को हुआ ही था, जो कि 1920 में, उसमें आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो चौरी चौरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू विल रीड इन हिस्ट्री बुक्स एंड आई हैव सम पॉइंट्स दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव ओनली सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्मर्स एंड रॉयल एक्ट जलियांवाला बाग, यू नो बेटर बिकॉज यू हैव स्टडीड इन हिस्ट्री बुक्स. सो रॉयल एक्ट वॉज 1919, ये भी आपको पता है. तो सत्याग्रह, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें पता है, तो इसको हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. और पब्लिक डे परेड जो कि अवार्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर द्वारा 72 पब्लिक डे अवार्ड किया गया. अब दोस्तों आगे देखते हैं रिपब्लिक डे परेड अवार्ड हिट भी हो गया दोस्तों, आगे देखते हैं, दो बार हो गया शायद. अब हाँ, एनिवर्सरी ऑफ प्रभु बुद्धा भारत मैगजीन, जो कि 31 जुलाई को हुआ था, जो कि 125 एनिवर्सरी था. प्रबुद्धा जो भारत स्कीम है, शेड्यूल्ड पब्लिसिटी ऑफ रामकृष्ण एंड मैगजीन डायरेक्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, रन बाय राजम एंड जी नरसिम्हा राव के द्वारा हुआ था दोस्तों. और साइंसेज रिटन बाय द अमॉन्ग्स स्कॉलर्स. सो बात करते हैं एनिवर्सरी ऑफ प्रबुद्धा भारत मैगजीन में, जो कि पब्लिकेशन जो हुआ था मद्रास में हुआ था, जो कि इस समय चेन्नई का पार्ट है, सॉरी चेन्नई में है. और प्रबुद्धा जो भारत मैगजीन हुआ वॉज पब्लिश्ड इन चेन्नई 2 ईयर्स आफ्टर द मैगजीन बिगन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ अल्मोड़ा में 1899 में. मैगजीन बिगन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अद्वैता आश्रम, सिंस अद्वैता आश्रम हज कंटिन्यूसली मैगजीन पब्लिक एंड प्रिंटेड इन कोलकाता में होता था. तो इसमें हम लोगों ने इतना सुना जो इसमें देख लिया. और जो रामकृष्ण टेम्पल इन लाइन मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश बाय रामकृष्ण और इट इज़ इस्टेब्लिश जनवरी, अगर रामकृष्ण टेम्पल्स के बारे में पूछा था तो रामकृष्ण मिशन आपने सुना होगा. और रामकृष्ण तो आपके बारे में जानते, मतलब आपने जाना होगा स्वामी विवेकानंद के गुरु. अब यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण टीचिंग एंड वर्ल्ड लेप्रेसी डे के बारे में देखें दोस्तों, तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज डिजाइंड एट 31 जनवरी, तो कि द लास्ट संडे ऑफ जनवरी सेलिब्रेटेड एज द एनुअल वर्ल्ड लेप्रेसी डे. ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑब्जर्विंग द डे सेलिब्रेटेड. दिस डे रेज अवेयरनेस एंड लेप्रोसी इंपॉर्टेंट ट्राइज सेपरेट ऑफ नेसेसरी इंपॉर्टेंट इलिमिनेट इन दिस. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन गोल ऑफ दिस डे टू डिफीट लेप्रोसी ऑफ डिसमिनेटिंग मोर. सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट न्यू लेप्रोसी केसेज आर रजिस्टर्ड इन 159 कंट्रीज एंड वर्ल्ड लेप्रोसी जो आल्सो कॉल्ड
हर्शन डिजीज एंड गरहार्ड हेनरिक अमोर हर्शन। एक मिनट दोस्तों, लेप्रोसी आल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज, इसको किस नाम से दोस्तों जानते हैं? यहाँ पे देखिए हैंसन डिजीज, और जो कि माइको बैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। ग्रैंड हेनरिक जो हसन है हैंसन प्रूव दैट लेप्रोसी इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज बट काज बाय बैक्टीरिया। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंड इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड में कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ स्किन्स नर्व्स एंड लिम्स। अब जो कि डिजीज इज 5 ईयर एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज कैन बी सीन इन 1 ईयर बट ना मे आल्सो टेक 20 ईयर्स टू मोर। अब वर्ल्ड लेप्रोसी डे, इनक्यूबेशन पीरियड एंड डिजीज 5 ईयर्स एंड 1 ईयर बट आल्सो 20 ईयर मोर टू अकर। सो बात करते हैं MSP स्कीम की, बात करते हैं 14 माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखने लायक है क्या है, तो जो कि गवर्नमेंट आर डिसाइडेड टू एडेड 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मैकेनिज्म ऑफ द मार्केटिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो प्राइसेज स्कीम है विल हेल्प टू प्रोवाइड रीन्यूमरेशन ऑफ फेयर प्राइसेज ऑफ ट्राइबल गैदरर्स एंड आइटम्स इंक्लूडेड इन द स्कीम। कैकून्स, बम्बो सूट्स, ड्राइड एलिफेंट एप्पल्स, वाइल्ड ड्राइड मशरूम्स, ये सारी चीज़ें हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, दिस इज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकते हैं दोस्तों। तो MSP स्कीम में देखें तो इट इज़ द ओपन मार्केट प्राइसेज एंड लोअर देन द कॉस्ट ऑफ अक्योर डिसीजन टू मेड यूज ऑफ MSP एंड फार्मर्स इनकम टू मिनिमम एंड सेट प्राइसेज जो कि 23 कमोडिटीज है ट्वाइस अ ईयर, मतलब 2 साल में होगा, एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेज। माइनर्स MFP की बात करें तो इट इज़ इंक्लूडेड ऑल नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, फोडर, लीव्स, केन, बैग्स, डाइज, गम्स, वेरियस फॉर्म ऑफ फूड सच एज नट्स, हनी, वाइल्ड फ्रूट्स, लैक्स एंड टूशर, एंड प्रोवाइड लिविंग एंड कैश इनकम। अब ये सारे, अब यहाँ पे जो माइनर फूड प्रोड्यूस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं आपको दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड आल्सो इंक्लूड बम्बू, फॉडर, लीव्स, केन, बैग्स, डाइज, गम्स, वाइल्ड फ्रूट्स, एंड MFP जो प्रोवाइड करता है लिविंग कैश इनकम फॉर पीपल एंड लिविंग नियर द फॉरेस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट, भाषण चार आइसलैंड, भाषण चार रिसेंटली मूव्ड 1750 रोहिंग्या मुस्लिम जो कि डिस्प्यूटेड हुए आइसलैंड पे, ये बंगाल, वे ऑफ बंगाल के पास है जो कि भाषण चार के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश अपोज टू रेफ्यूजीज ऑलरेडी लिविंग इन आइसलैंड, मतलब इस आइसलैंड पर रेफ्यूजीज से को अपोज किया। थाईलैंड आल्सो कॉल्ड चारपिया, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चारपिया, जो कि हतिया उबाजिला बांग्लादेश में है। द आइलैंड लोकेटेड वे ऑफ बंगाल अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द सैंडवीप आइलैंड एंड किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड। अब भाषण चार जो आइसलैंड है वाज फॉर्म 2016 बाई हिमालयन सिल्ट, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? हिमालयन सिल्ट में। तो कोक्स बाजार इज अ सिटी फिटिंग पोर्ट एंड टूरिज्म सेंटर ऑफ रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ साउथर्न बांग्लादेश। कोक्स बाजार जो है तो सैंडविप आइसलैंड एंड साउथ ईस्ट कोस्ट बांग्लादेश इज चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट एंड आइलैंड पार्ट ऑफ सैंडविप उपजिला, सॉरी उपजिला। रिसेंट डेवलपमेंट जो बांग्लादेश का है इस आइसलैंड है। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश प्लान टू बिल्ड इतना 1440 बिल्डिंग्स ऑफ आइसलैंड बनाएंगी एंड विल आल्सो इंक्लूड 120 साइक्लोन सेल्टर उसमें होंगे, जो कि इनका पर्पज होगा कंस्ट्रक्टिंग दीज बिल्डिंग टू मूव 10 लाख जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनको रखने के लिए। आश्रम प्रोजेक्ट वाज एक्सपेंडेड टू बिल्ड 1 लाख हाउसेज ऑन द आइसलैंड, मतलब इन्होंने क्या किया, आश्रम 3 प्रोजेक्ट नाम का आश्रम चलाया है, 3 नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया है उस पर जो होम है बिल्ड करने का, जिसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इनोग्रेशन समिति, तो इसकी बात देखते हैं दोस्तों। तो इसकी बात है जो स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैड 18 इंटरनेशनल सिल्क फॉर वर्चुअल पोर्टल। अब तो
बात हो, इसमें लार्जेस्ट सिल्क फेयर इन इंडिया एंड इंडिया अंडर द रूट ऑफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब एक्सपो लास्ट 5 ईयर में जो देखेंगे देन द 200 ओवरसीज बायर्स हैव बीन रजिस्टर्ड एंड इन एडिशन अबाउट 2200 इंडियन ओवरसीज रिप्रेजेंटेशन विल इंटरेक्ट विथ मोर देन 100 वेल नोन्स एंड लार्ज इंडियन कंपनीज एंगेज इन द प्रोडक्ट्स एंड ट्रेड सिल्क एंड सिल्क ब्लेंड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इनोग्रेटेड बाई स्मृति ईरानी। तो इसमें सिल्क की बात करते हैं, एक लग्जरी आइटम होता है, 97% ला मलबरी सिल्क होते हैं एंड नेटिव ऑफ 5 स्टेट, जो कि हमारे जो सिल्क हैं 5 स्टेट में ग्रो होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, गुजरात, मैसूर एंड नॉर्थ बंगलोर विल आल्सो होम ऑफ सिल्क सिटी लोस्टिंग एंड $20 मिलियन। तमिलनाडु मलबरी सिल्क कल्टीवेशन इज कंसर्न इन सलेम इरोड एंड धामापुरी रीजन हैदराबाद में होता है एंड गुच्छीटी प्लान इन तमिलनाडु एंड फर्स्ट लोकेशन टू बिल्ड आउट ऑटोमोबाइल सिल्क लीडिंग एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ये 4 वराइटीज हैं सिल्क के, मलबरी, इरी, तसर और मुगा। दोस्तों बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की, पेरियार टाइगर जो रिजर्व है दोस्तों ये है आपका केरला में हो, रिसीव ट्रेनिंग फॉर टाइगर कब्स एंड फर्स्ट टाइम जो कंट्री वाइज एनेबल टू हंट नेचुरली इन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। तो इनफैक्ट की बात करें जो कि फैक्ट्स हैं हमारे, तो इद्दिकी एंड पठान चित्रा पठान मिथा मिथा कुछ ऐसे लिखा दोस्तों। तो केरला इज लोकेटेड इन साउथर्न रीजन एंड इट वॉज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड 1950, टाइगर रिजर्व 1978 एंड नेम ऑफ द टेकन पेरियार रिवर व्हिच ओरिजिनेटेड आइलैंड ऑफ द रिजर्व। मेन रिवर पासिंग थ्रू द रिवर्स ऑफ मुलियार एंड पेरियार रिवर्स द प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रास लैंड। देयर अप्रॉक्सीमेटली 966 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ग्रोइंग इन दिस रिजर्व, अबाउट 516 ऑफ देम एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट सेंचुरी वाज वेयर हाउसेज एंड मेडिसिन प्लांट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 स्पीसीज इन नंबर्स। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, तो नीति आयोग प्रपोज फॉर लिटिल अंडमान। तो नीति आयोग डेवलप अ प्लान कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेवलपमेंट एंड 680 किलोमीटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिटिल अंडमान आयोजलैंड। नीति आयोग यूटिलाइज स्ट्रेटजिक लोकेशन, दिस विल अचीव इस्टेब्लिश ऑफ न्यू कोस्टल सिटी एंड ग्रीन फील्ड विच विल डेवलप इन टू द फ्री ट्रेड एंड कम्प्लीट सिंगापुर हांगकॉन्ग एंड प्रपोजल डेवलप अराउंड थ्री। अब तीन पार्ट में जो हुआ, तो फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन। फर्स्ट जोन की बात करें तो 102 स्क्वायर किलोमीटर में हुआ, तो और सेकेंड जोन की बात करें 84.5 किलोमीटर स्क्वायर में हुआ और थर्ड किलोमीटर जोन की बात करें तो 52 स्क्वायर किलोमीटर में हुआ। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ 2021 में स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेटेड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेंडिटर ऑफ मेडिकल सर्विस 1% ऑफ GDP एंड 2.5 to 3% ऑफ GDP इन्वेस्टेज इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब इन पॉइंट टू दिस कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिटर एंड कट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिटर एंड इम्प्लीमेंट बाई NHM द्वारा हुआ था, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा, फ्रॉम द लेसन ऑफ द लर्न फ्रॉम ऑन गोइंग ग्लोबल COVID-19 एंड ग्लोबल सर्वे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ फुली अडॉप्टिंग टेली मेडिसिन। अब टेली मेडिसिन क्या है दोस्तों, इसको आपको बताना है एंड लास्ट माइल ऑफ चैलेंज एंड कंट्री मेडिसिन सर्विस। अब बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड एनिवर्सरी जो कि 1 फरवरी को मनाया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो 45 एनिवर्सरी जो इंडिया का हुआ ये ऑब्जर्व 1 फरवरी को हुआ। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी को एनिवर्सरी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इन्फॉर्मेंस एजेंसी एंड सर्च ऑफ रेस्क्यू एजेंसी एंड डिजाइनेटेड प्रोटेक्ट इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड मैरिन इंटरेस्ट। इट वॉज इस्टेब्लिश 1977 में हुआ था एंड एंड करेंटली हैज 156 शिप्स एंड 262 एयरक्राफ्ट इन इंडियन आर्मी इन्वेंट्री। मतलब इतने सारे अवेलेबल हैं, मतलब 156 शिप्स एंड 62 एयरक्राफ्ट हैं। तो बात करें द कोस्ट गार्ड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इंडियाज कोस्ट इन्फोर्सिंग मैरी टाइम एंड वयम रक्षमा मीन्स वी प्रोटेक्ट, ये इस नाम से जाने जाते हैं। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फेबररी 2 एवरी ईयर। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। डेट वेन वेटलैंड डे एंड वाज अडॉप्टेड इन ईरानियन सिटी जो कि रामसार फरवरी एंड अ वर्ल्ड वेटलैंड 21 वाइल्ड लाइफ इज वाटर। इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड 1997 में हुआ था। वेटलैंड आर इकोसिस्टम दैट सीजनली एंड परमानेंटली फिल्ड विथ वाटर। दीज इंक्लूड मैंग्रोव स्वैम्स रिवर्स लेक्स डेल्टाज फ्लड फॉर फॉरेस्ट राइस एंड डेप्थ ऑफ द मोर देन 6 मीटर्स लो एंड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड एंड वाटरलैंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉन्ड्स। सो ऑल्दो दे कवर ओनली अबाउट 6% ऑफ द अर्थ लैंड एंड 40% ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल्दो द कवर 6% ऑफ द अर्थ इज सरफेस 40% एनिमल्स एंड स्पीसीज एंड रिड्यूस इन वेटलैंड। वेटलैंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का, जो कि एलिवेट फूड प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन एंड इन्हेंस कम्युनिटी रिलायंस को बात करता है, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी को करता है, टू ह्यूमन एंड लाइफ 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन देम। मतलब 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन देम देयर लाइवलीहुड एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज लिव इन रिप्रोड्यूस इन वेटलैंड। द वेटलैंड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, रॉ मटेरियल जो कि फार्मेक्चुअल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स 30% एंड पील लैंड एंड प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल एंड ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ड्यूल। दोस्तों अब हम लोग अरे हमारे ख्याल से अकॉर्डिंग टू IPFC जो कि फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च पॉलिसी जो कि इकोसिस्टम है, वेटलैंड आर मोस्ट थ्रेटन इकोसिस्टम्स एंड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ग्लोबल वार्मिंग द रेट ऑफ डिसअपेयर हो रहा है। और यूनेस्को के अकॉर्डिंग 40% ऑफ एनिमल्स प्लांट्स लिव इन रिप्रोड्यूस वेटलैंड। एंड मेजर थ्रेट की बात करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब IPBES की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो IPBES क्या है? इंडिपेंडेंस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है स्ट्रेंथिंग साइंटिफिक पॉलिसी इंटरेक्शन एंड मैकेनिज्म बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स एंड लॉन्ग ह्यूमन वेल्थ एंड वीबिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इट वॉज इस्टेब्लिश पनामा सिटी USA में इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का, इतना ही। फिर अभी अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।